व्हाट्सअप गाइस, मैंने फिटनेस की काफ़ी सारा बात की है, बॉडी बिल्डर के बारे में बात की है, बट कुछ बॉडी बिल्डर और एथलीट के मामले में अलग भी कुछ है। इसकी नाम है बॉक्सर, और बॉक्सर एक बॉडी बिल्डर की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी होते हैं, ये अपनी बॉक्सिंग की दुनिया में काफ़ी नाम कमाते हैं। ये मेहनत करने में सबसे आगे होते हैं और फिटनेस में भी आगे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बॉक्सिंग सीखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करके अपनी हाथ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत। कटीना करवा बीला एक जानी मानी बॉक्सर है, और इसकी हाइट काफ़ी सबसे अलग है। ये अभी गोल्ड मेडल जीते एक ठो, और गोल्ड मेडल के वजह से काफ़ी अच्छी जानी। इसकी हाइट की बात कर लूँ तो 6'4" के लमसम इसकी हाइट है, और इसकी वजन के बारे में बात कर लूँगा तो इसकी वजन है 90 kg के लमसम में, 90 kg है। और इसकी उम्र के बारे में बात कर लूँ तो 31 साल का है, और 31 साल की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट के मामले में अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर और एथलीट की काफ़ी अलग दिखती है। ये अपनी नेटवर्क की वजह से काफ़ी जाने भी जाते हैं। इसकी इंस्टाग्राम का फॉलोवर के बारे में बात कर लूँ, 280,000 इसके इंस्टाग्राम का फॉलोवर हो चुके हैं, और इस पर मेहनत काफ़ी से करते हैं। ये अपनी सारी फिटनेस की अलग से मेहनत में टाइम दे दें, और जब जब टाइम मिलते हैं तब तब मैं मेहनत काफ़ी से करते हैं। और इसकी लंबाई काफ़ी सबसे एथलीट में सबसे अलग जानी जाती है बॉक्सर के मामले में। ये अपनी बॉक्सिंग काफ़ी सीखते हैं, और इससे काफ़ी सीखे भी जाते हैं, और काफ़ी सारा जीते, ये गोल्ड मेडल जीते हैं, और हमेशा मेहनत करते हैं। इस पर से काफ़ी इसकी अच्छी अच्छी चीज़ जीतती रहती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, और मेहनत में काफ़ी पीछे नहीं हटते, और बॉक्सर के ऐसी होना चाहिए, क्योंकि बॉक्सर एक ऐसी है जो अपनी बॉडी के काफ़ी इस पर इफेक्ट पड़ते हैं, और इस बॉक्सर में जाने जाते भी हैं। और बॉक्सर से कुछ काफ़ी कुछ सीखते हैं जो सारी दुनिया में अलग सीखे जाते हैं। फिटनेस और एथलीट में मामले में अलग अलग बॉक्सर भी निकल चुके हैं, और इसकी निर्भर बात हो तो $4,00,000 के लमसम में साल के कमा लेते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत भी है, और इसकी नेटवर्क काफ़ी बढ़ते जा रहे दिन पर दिन, और सारी जानी मानी में से और एक आ रहे हैं, और अभी के डेट में काफ़ी फॉलोअर इसका बढ़ते जा रहे दिन पर दिन।